हे गाइस, मैं आ गया हूँ डॉक्टर वाई एस परमार, यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। आप कौन सा कोर्स कर रहे हो यहाँ से? गाइस, अब मैं जा रहा हूँ एप्पल ऑर्चर्ड देखने। वैसे तो गाइस मुझे ये करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ जब इतनी दूर तक आया हूँ तो एक एप्पल ट्राई करना तो बनता ही है। देखते हैं कैसा है। अगर ऐसी जगह यूनिवर्सिटी हो तो बंदा डेली आए, पर हमारी थी नहीं ऐसी जगह, इसलिए हम गए नहीं डेली। यार समझ में नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है मैं पहाड़ों के बीच में फंस गया यार चारों तरफ। हे गाइस, मैं आ गया हूँ डॉक्टर वाई एस परमार, यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। ये सोलन के नौनी में है और हिमाचल प्रदेश की ये सबसे बड़ी हॉर्टिकल्चर की यूनिवर्सिटी है। तो हिमाचल प्रदेश स्टेट से तो बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते ही हैं, बल्कि आसपास के जो स्टेट्स हैं वहाँ से भी काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए। और सबसे ख़ास बात ये है कि ये वैली के बीच में है, इसकी लोकेशन बहुत ही ख़ास है। आप कौन सा कोर्स कर रहे हो यहाँ से? बीएससी हॉर्टिकल्चर। फर्स्ट ईयर है अभी आपका? सेकंड ईयर। आप यहीं से हो सोलन से? नहीं, हम एमपीडी स्ट्रीट से। तो कैसी होती है पढ़ाई यहाँ पे, अच्छी होती है? जी अच्छी है। तो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है हॉर्टिकल्चर के लिए तो हिमाचल की। यूनिवर्सिटी बेसिकली दो जो कोर्सेज ऑफर करती है, हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री और बायोटेक भी है। बायोटेक मेरी कैंपस में है, प्राइम इंस्टीट्यूट है रिसर्च को, स्पेशली जो टेम्परेट फ्रूट है, बीट एप्पल और आपका स्टोन फ्रूट है, चाहे उसका इम्पोर्ट है इन फ्रूट्स का या फिर उसका जो आपका क्वालिटी प्रोडक्शन है, पेस्ट कंट्रोल या आपका पैथोलॉजी एस्पेक्ट्स आप देख लीजिए, उसका ये प्राइम इंस्टीट्यूट है इंडिया में। एडमिशन का क्या होता है प्रोसेस, एंट्रेंस? पहले यूनिवर्सिटी अपना कंडक्ट करती थी, पहले करती थी। हाँ, अब जो है ICR का ही होता है, जो ये एक्रेडिशन है वो भी हमारी जैसे UGC से जो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ की एक्रेडिशन होती है, हमारा UGC से नहीं होता, हमारा ICR का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, वहाँ से। गाइस, अब मैं जा रहा हूँ एप्पल ऑर्चर्ड देखने। यहाँ से स्ट्रेट है 10-15 मिनट वॉकिंग। गाइस बहुत दूर था एप्पल ऑर्चर्ड, यूनिवर्सिटी के अंदर ही पैदल चल चल के मेरी तो हालत ख़राब हो गई, नहीं भी तो 3 किलोमीटर होगा कम से कम। पौधे तो दिखने शुरू हो गए हैं एप्पल के, दिखाता हूँ मैं आपको, ये सारे एप्पल के प्लांट्स हैं। अरे वाह, आप देख सकते हो इस पे एप्पल आने शुरू भी हो गए। ये देखिए आप, छोटे एप्पल हैं पर अभी मैं इन्हें खा नहीं सकता, वरना एक एप्पल तो खा ही लेता। कुछ यहाँ पे किया गया है शायद दो स्ट्रीम को जॉइंट करके नए स्ट्रीम को डेवलप किया गया है। सभी प्लांट्स के अंदर ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये भी आप देख सकते हो। ये देख रहे हैं आप, इन सभी में एप्पल्स आ गए। वैसे तो गाइस मुझे ये करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ जब इतनी दूर तक आया हूँ तो एक एप्पल ट्राई करना तो बनता ही है। ये वाला ट्राई करते हैं, ये वाला हल्का सा बड़ा लग रहा है, देखते हैं कैसा है। नॉट बैड, अच्छा है, टेस्टी है, मीठा नहीं है अभी क्योंकि छोटा है, लेकिन फिर भी खा सकते हैं। पहली बार खाए हैं इतने छोटे एप्पल। तो ये एप्पल ऑर्किड कवर किया हमने, ये सब जो हैं सोलन के डॉक्टर वाई एस परमार, यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के अंदर है।
बहुत बड़ा कैंपस है, बाहर से मुझे यहाँ आने में काफ़ी टाइम लग गया, नहीं भी तो लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर है, लेकिन चारों तरफ पहाड़ है। क्या सही जगह पे यूनिवर्सिटी है, ऐसी ही होती है यूनिवर्सिटी पहाड़ों में। अगर ऐसी जगह यूनिवर्सिटी हो तो बंदा डेली आए कॉलेज, कभी मिस ना करके। पर हमारी थी नहीं ऐसी जगह, इसलिए हम गए नहीं डेली। बाय बाय, मैं इसे फिनिश करता हूँ, बहुत मुश्किल से मिला ये यार, समझ में नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है मैं पहाड़ों के बीच में फंस गया यार, चारों तरफ कैसे निकलूँ यहाँ से, कोई साइन बोर्ड भी नहीं है, गूगल मैप भी काम नहीं कर रहा, निकल भी पाऊँगा यहाँ से? खाने की दिक्कत तो नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे एप्पल ऑर्किड्स हैं, कीवी के भी हैं पेड़, थोड़े बहुत कीवी उसमें भी है, पानी भी है मेरे पास, लेकिन फिर भी निकला कैसे जाए यार यहाँ से, आदमी तो आदमी है, परिंदा भी नहीं है यहाँ पे। गाइस मैं पहले यहाँ से निकलने का इंतज़ाम करता हूँ, फिर उसके बाद करेंगे आपसे बात। विश में लक गाइस, विश में लक।